नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड बेसिकली बहुत दिनों से मुझे इस कंपनी के ऊपर इंतजार करना पड़ा टारगेट पाने में, और अभी मुझे लग रहा है कि टारगेट वो आसानी में दे सकता है। देखिए, आसानी में दे सकता है इसका मतलब ये नहीं कि कल ही देगा, परसों ही देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि टाइम लग सकता है। मगर जिस तरीके से जुबिलेंट फूड में करेक्शन हुआ था मेरे एंटी लेने के बाद, एंटी मान के चलिए यहाँ पे लिया और उसके बाद करेक्शन हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर कंपनी अच्छा खासा रिकवरी भी किया। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न स्केट हुआ, पैटर्न क्या बना यहाँ पे, कप बना, उसके बाद एक दो बार हैंडल बटन बना था। तो कप के बाद दो बार जब हैंडल बटन बने, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, उसी तरीके से कंपनी क्या किया यहाँ पे रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक किया, उसके बाद और भी ज़्यादा क्रैश हो गया। अभी क्रैश होने के बाद वो कहाँ तक आया, देखिए वो जो प्रीवियस जो इसका लो था, प्रीवियस लो मतलब जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट जोन था, यहाँ से कंपनी क्या किया बार बार रिटेस्ट करने के बाद ही बाउंस बैक किए थे। तो ये कंपनी के लिए क्या बना है, एक स्ट्रांगली सपोर्ट, और वही सपोर्ट लेवल को कंपनी फिर से एक बार टच किया, उसके बाद देखिए शानदार तरीके से रीबैक कर रहा है। अभी क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी इस लेवल को इजीली ब्रेक कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर इस लेवल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए क्योंकि इसी लेवल को टच करने के बाद ही शेयर में एक करेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन के कारण कंपनी के ऊपर यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था, उसी तरीके से इसी जगह से फिर से एक बार बिग क्रैश होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल है और कंपनी में आगे जर्नी होने का भी पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है जो जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो 20% के आसपास इस कंपनी का रेंज बना है, उसी रेंज के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा और इस लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। जो टारगेट निकल कर रहा है 620 रुपीज़ के आसपास, इसी लेवल तक जर्नी होने का भी चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि जुबिलेंट फूड के ऊपर एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी खराबी नहीं था, कंपनी का सेल्स का आंकड़ा हमेशा पॉजिटिव रहा है, और उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी ज़बरदस्त देखने को मिला, और इंटरेस्ट भी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 29 से लेकर 200 तक इसका नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट देखने को मिला जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत खास है, और इसी कारण के वजह से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और देखा जाए तो एज ए इन मतलब इन्वेस्टर, तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल चुकी है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि जुबिलेंट फूड के ऊपर जब गुड न्यूज़ आया था तभी मैंने आपको बताया था कि कंपनी यहाँ से रीबैक करेगा और बाउंस करने का चांसेस रहेगा। तो फाइनली रीबैक करने का जो मेन वजह था वो है इस न्यूज़ के कारण कि जुबिलेंट फूड जो है वो ओपन करने जा रहा है 2000 डोमिनस पिज्ज़ा स्टोर। और सोचिए अगर ऑल ओवर इंडिया में 2000 से भी ज़्यादा नया स्टोर कंपनी ओपन कर दे तो वहाँ पे कितना रेवेन्यूज कंपनी का जेनरेट होने वाला है। इस रेवेन्यू के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा आगे बढ़ने का पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही देख चुका हूँ जो यंग जनरेशन है वो हमेशा फास्ट फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैं फास्ट फूड खाऊँ तो मुझे मतलब एक अलग क्लास मिलेगा, एक अलग स्टैंडर्डिटी मिलेगा। तो इसी कारण के वजह से वो इस तरीके से प्रोडक्ट को खा मतलब खाते पीते हैं, और उसी कारण के वजह से कंपनी को भी डायरेक्टली एक फ़ायदा मिलता रहता है, क्योंकि ये बिजनेस ऑब्वियसली US से आया है, तो उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग बाहर की कंट्रीज से आए हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं इंडिया में। तो आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही जाकर एक बार डोमिनस पिज्ज़ा के मतलब कोई भी स्टोर में जाइए तो आपको खुद पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है CESC लिमिटेड। तो CESC लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी नहीं है, एक बड़ा सा कंपनी है, 22,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के PE 16 के आसपास है, ROC ROE बेस्ट तरीके से देखने को मिला, इनकम ज़बरदस्त है, और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी वो भी 1% के आसपास देखने को मिला।
कंपनी का अर्निंग पर सर 10 रुपीज़ के आसपास है, मार्केट शेयर जो है 1.46 के आसपास है। तो ओवरऑल हर पॉइंट्स यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जिस कारण के वजह से मुझे कंपनी के ऊपर गुड पॉजिटिव जर्नी और गुड पॉजिटिव यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो जर्नी यहाँ पे मिला है उस जर्नी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम है, अच्छा खासा एक जर्नी मोमेंटम है, जिस कारण के वजह से कंपनी अच्छा खासा एक गुड पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सकता है। बाकी इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है अगर वो देखूँ तो सीएससी के ऊपर जो 2800 करोड़ का टोटल सेल्स था वो 3000 बने, 3000 से 3100 बने, 3300 बने, तो अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स दिखा। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 429 से लेकर 445 करोड़, 445 करोड़, 415 करोड़, मतलब एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ होता देखने को मिला है। ये ग्रोथ कंपनी को आगे जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर काम करना है तो इस सारी चीज़ों को इसी तरीके से आपको डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, पहले कप बना, उसके बाद 3 बार यहाँ पे हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से परफॉर्मेंस वो कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम करके वो लेवल को ब्रेकआउट किया है तो उसके बाद रिटेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है, तो इजीली वो टारगेट को देने का चांसेस रहेगा। कि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी टारगेट को अचीव करेगा। तो सोचिए जहाँ पे एंट्री हुआ है उस एंट्री लेवल से, अगर उस एंट्री लेवल से मैं करंट एंट्री लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो अराउंड 1 मंथ के अंदर अंदर 26% का रिटर्न बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आपके हिसाब से क्या है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, डेली बेसिस ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शंस फ्यूचर में काम करते हैं, तो उसको शायद इस प्रॉफिट को कुछ खास नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहेंगे एक दिन में मुझे 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक रिटर्न मिला है, तो वो अलग बात है। वो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता रहता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ अलग मतलब अलग सेगमेंट है, और जो स्विंग बेसिस ट्रेडिंग है, जो इक्विटी में ट्रेडिंग है, वो कुछ अलग है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ये भी मुझे शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर सबसे पहले एक गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यूज है अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें 67% का बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी के अदर्स के ऊपर 25%, और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का फीस एंड कमीशन के ऊपर 7%। तो ओवरऑल जो कंपनी का बिजनेस है, उस बिजनेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं। फीस एंड कमीशन के हिसाब से, कंपनी का अदर्स कमीशन एंड फीस के हिसाब से, इंटरेस्ट इनकम से, ये सारे इनकम के वजह से कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे इनकम देखने को मिला। उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है, उसी बेसिस में कंपनी का जर्नी भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है 100% के आसपास कंपनी के यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। अब इस 100% का ग्रोथ के हिसाब से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा पॉजिटिवली जर्नी इस कंपनी दिखा चुके हैं, और अच्छा खासा पॉजिटिव जर्नी इस कंपनी दिखाने वाला है। तो अभी देखिए जियो फाइनेंस जो है, जियो फाइनेंस कंपनी जल्द से जल्द स्टॉक ब्रोकिंग का जो बिजनेस है वो भी यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाला है। जो ब्रोकरेज का ब्रोकिंग का बिजनेस है वो भी स्टार्ट करने वाला है, और वो भी किसके साथ, ब्लैक रॉक के साथ। ब्लैक रॉक के साथ कंपनी डील कर चुके हैं, और 50-50 पार्टनरशिप के हिसाब से ये काम कंपनी इंडिया में स्टार्ट करने वाला है। तो सेबी के न्यू रूल्स के हिसाब से जितने सारे मतलब जीरो ब्रोकरेज कंपनी थे उस कंपनी को तो थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से ब्रोकरेज सलाब चेंज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जियो फाइनेंस को डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जियो आप सभी जानते हैं पहले प्रोडक्ट को फ्री में देता है, उसके बाद बहुत बुरी तरीके से हालत कर देता है। आप खुद ही देख चुके हैं अभी जो मोबाइल का फ़ोन का जो रिचार्ज है वो किस तरीके से चार्जेस को बढ़ा दिया। आप एक बार देख कर सोचिए, 10-15-20-50 रुपीस नहीं बढ़ाया, करीबन 150 से 200 रुपीस बढ़ा दिया अगर 3 मंथ आप रिचार्ज करते हैं तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे झटका रिटेल पब्लिक को मिला है। और ऑब्वियसली उस फायदा मार्केट में दिखेगा, उस फायदा रिलायंस ग्रुप के ऊपर दिखेगा। तो जियो फाइनेंस के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि कंपनी में दम है, आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है,
और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि फ्यूचर में वो बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी को बीट कर सकते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, इतना भी पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर है। क्योंकि जियो रिलायंस जिस सेगमेंट में एंटर हो रहा है उस कंपनी के उस सेगमेंट के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। तो क्या आप क्या सोच रहे हैं कि रिलायंस जब ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में एंटर होगा तो क्या वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जबरदस्त आगे बढ़ेगा? क्योंकि वो ऐसे वैसे कंपनी के साथ डील नहीं किया, वो ब्लैक रॉक के साथ डील किया है जो वर्ल्ड के सबसे बड़े फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो इस चीज़ों को पहले समझना होगा। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से कुछ हो नहीं रहा तो मैं इस कंपनी के ऊपर क्या करूं, देखिए मार्केट में यही रूल्स होते हैं, हमेशा कोई भी शेयर भागते रहेगा ऐसा होगा नहीं, ऐसे कुछ रूल्स नहीं है कि शेयर भागते रहेंगे। आपको हमेशा एक चीज़ को नोटिस करना होगा, अगर कंपनीज में दम है, कंपनीज में पोटेंशियल है, तो कंपनी आज नहीं तो कल वो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएगा और आगे भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अपडेट को स्टडी करके आपको काम करना होगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम क्या है एक बार देख लीजिए। उसका नाम है वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। तो वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 460 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा भी दिया, जैसे स्प्लिट दिया हर एक के बदले 10 शेयर, और वो भी 12 तारीख को, मतलब 12 तारीख को आपको एक के बदले 10 शेयर मिलेगा। तो इस सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, सारे कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। क्योंकि ये रिसर्च जो मैंने किया वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे रिस्क के हिसाब से मैंने रिसर्च किया। आप आपके हिसाब से जो रिस्क लीजिए, आपके हिसाब से स्टडी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।